अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी अननोन पर्सन आपको कॉल कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आप उसके नंबर को जो है वो ब्लॉक करना चाहते हैं, उसके टेक्स्ट मैसेजेस को ब्लॉक करना चाहते हैं, उसकी कॉल्स को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आप जो है वो बिना कोई जो है वो कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए आप जो है वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो है वो आप कंपनी के थ्रू ब्लॉक करवाते हैं तो उसमें जो है वो डेफिनेटली वो चार्ज करते हैं। लेकिन आपको मैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है तो आप जो है वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन से जो है वो इजीली जो है वो जस्ट छोटी सी सेटिंग करके जो है वो जो है वो अपने जो भी कोई भी ऐसी कॉल्स जो कोई एसएमएस आ रहे हैं तो आप उनको जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, मैं यहाँ पर अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन को ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद जो है आपने क्या करना है, अपने जो है वो डायलिंग पैड को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल के। यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस कॉल्स आ रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो है वो यहाँ पर ऊपर देखें तो यहाँ पर जो है वो ये थ्री लाइंस डॉट्स मौजूद हैं। आपने सिंपली इन थ्री डॉट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सेटिंग्स के जो है वो सेक्शन में चले जाना है। यहां पर इसका सेकेंड ऑप्शन देखें तो सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है ब्लॉक नंबर्स आपसे, और नीचे आप यहां पर देखें तो इसमें इसके साथ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ब्लॉक कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम स्पेसिफिक फोन नंबर, यानी कि आप जो है वो किसी स्पेसिफिक फोन नंबर के ऊपर जो है वो कॉल और टेक्स्ट मैसेज दोनों को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। तमाम जो है वो ये एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर ये फीचर मौजूद है, और किसी भी कंपनी का हो आप सबके अंदर जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर चले मैं एक नंबर जो है वो ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने नंबर लिख लिया। ठीक है जी, नंबर लिखने के बाद यहाँ पर सामने देखे तो एक प्लस का ऑप्शन जो है वो ऐड का ऑप्शन मौजूद है, आपने सिंपली जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये ऐड हो चुका है और इसको ब्लॉक हो गया है। अब मैं बैक आता हूँ और मैसेजेस के सेक्शन में भी मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ कि ये दोनों में ही ब्लॉक हो चुका है। मैं मैसेजेस को ओपन करता हूँ और यहां पर मैं जाता हूँ इसके उसी तरह से थ्री लाइंस के ऊपर और सेटिंग्स के अंदर चले जाता हूँ। तो यहां पर देखें सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है ब्लॉक नंबर्स एंड मैसेजेस, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और फर्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक्स का तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें ऑलरेडी इसके नंबर इसमें जो है वो नंबर मौजूद है। अगर आप इनबॉक्स के अंदर कोई मैसेजेस आ रहे हैं उसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो इनबॉक्स में भी आप जा सकते हैं। यहाँ से इनबॉक्स में जाएंगे तो जिस भी नंबर को आप ब्लॉक करना चाहते हैं आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नंबर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और उसका मैसेज भी अगर कोई आया हुआ है तो वो डिलीट हो जाएगा। कॉन्टेक्ट जो कि यानी कि आपके मोबाइल के अंदर अगर सेव है वहां से लेना चाहते तो आप उसमें भी सेम मेथड है। अगर आप इनको फंस गया अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सिंपली क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बैक आता हूँ। अगर आपको एक्सटर्नल जो है वो कोई एप्लीकेशन की हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ये जो है वो यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। अगर इस तरह से कोई आपने एक्सटर्नल ऐप की हुई है मैसेजेस की तो आप उसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर मेथड है कि आप सिंपली उसके ऊपर होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद आ चुका है ब्लैक लिस्ट का। सिंपली ब्लैक लिस्ट के ऊपर क्लिक करके ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो ये नंबर जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। आप अगर इसको अन जो है वो करना चाहते हैं अन ब्लैक लिस्टिंग तो आप जाएंगे सेटिंग्स के, यहाँ से तीन डॉट्स के अंदर और सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा यहाँ पर सिक्योरिटी एंड ब्लैक लिस्टिंग। आप सिंपली इसके ऊपर सिक्योरिटी एंड ब्लैक लिस्टिंग के ऊपर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे ये नंबर ऐड हो चुका है। अगर आप इसको अन जो है वो ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसके ऊपर होल्ड करके रखें तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो ऑप्शन आ जाएगा अन ब्लैक लिस्ट का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अन ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो अगर कोई आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आप तो देन जो है वो हर एक का मेथड जो है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, अदरवाइज बाकी तमाम जो है वो मेथड सेम है। तो बाकी जो है तमाम मोबाइल फोन के अंदर जो फीचर्स मौजूद है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।